नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी 50 के बारे में, इसके इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मैं सारे लेवल्स बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो मंडे के सेशन में काम कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सबके एनालिसिस करेंगे, सबके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, ट्रेंड लाइन देखेंगे, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फाइनली देखिए, अब हमने यहाँ पर अगेन जो है देखिए फ्राइडे के सेशन में एक बार और जो है हमने यहाँ पर गिरावट देखी। देखिए एक तो एक्सपायरी डे वाले दिन हमने गिरावट देखी, उसके बाद जो हमने ये गिरावट देखी है, ये गिरावट देखिए एक्सपायरी वाले डे से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो हाई लगा है निफ्टी का वो 14,019 का लगा है और जो लो लगा है वो 14,357 का लगा है। तो मे बी हम यहाँ कह सकते हैं हम 250 पॉइंट से ज़्यादा हम यहाँ पर नीचे की तरफ गिरे। तो अब देखिए इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से सपोर्ट यहाँ पर इसके लिए काम कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए अब ये जो लेवल है, इस लेवल से देखिए फाइनली निफ्टी ने यहाँ पे बाउंस बैक किया था। यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए मार्केट जो है अपनी हिस्ट्री को हमेशा रिपीट करती है, हमको इसके हिस्ट्री को कैच करके चलना होता है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मार्केट में एक कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट हुई थी और फाइनली यहाँ से बाउंस बैक हो गया था। इस लेवल के आसपास भी लोग कह रहे थे मार्केट यहाँ से काफ़ी क्रैश होने वाली, बट देखिए यहाँ से बाउंस बैक हो गया। अब निफ्टी के लिए ये जो लेवल है देखिए 14,250 के आसपास, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहां से ये बाउंस बैक हो सकता है। मे भी देखिए मंडे के सेशन में इसका जो लो लगा है देखिए 14,371 का लगा है। सो अगर 14,370 का लेवल ब्रेक करती है तो हम यहां पर 14,250 का लेवल देखेंगे और मे भी यहां से बाउंस बैक हो सकता है। अगर 14,250 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहां पर काफी डाउनफॉल देख सकते हैं। मे भी निफ्टी में हम 200 से 300 पॉइंट्स की डाउनफॉल और देख सकते हैं अगर 14,250 का लेवल ब्रेक होता है। फिलहाल इस लेवल से बाउंस बैक होना चाहिए। कल के मंडे के सेशन में एक छोटी सी गिरावट हो सकती है जो कि 100 से 125 पॉइंट्स की होगी, तो यहां से बाउंस बैक हो सकता है। तो इस लेवल के आसपास थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा क्योंकि यहां से बाइंग आ सकती है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह से ट्रेड किए, मंडे का सेशन सॉरी फ्राइडे का सेशन किस तरह से था और किस तरह से यहां पर हम ट्रेड हमारे बने यहां पर। तो फाइनली यहां पर देखिए मैं आ गया हूं अब 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में आप लोगों को मैं यहां पर एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहां पर जो है मैं 15 मिनट का चार्ट वन मिनट तो ये देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो एक्सपायरी डे का जो लो लगा हुआ था, तो यहाँ पर लो लगा था 14,519 का और यहाँ पर जो 15 मिनट की कैंडल जो ओपन हुई थी, सो यहाँ पर ये कैंडल देखिए पहली कैंडल ने 15 मिनट की कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया था। मैं इसको लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मार्केट में इंट्राडे ट्रेड किस तरह से किया जाता है, किस तरह से आप यहाँ पर अपने ट्रेड बना सकते हैं। सो फाइनली देखिए जो डे लो था पिछले दिन का, तो इस लो को जब ब्रेक करता तब हम यहाँ पर जाके हमने एंट्री लेनी थी। तो फाइनली यहाँ पर देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है और यहाँ से देखिए कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कंटिन्यू अगर ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5-6 कैंडलें 15 मिनट की इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करती रही और फाइनली ये जो कैंडल है, ये कैंडल देख रहे हैं 15 मिनट की 11 बजे की कैंडल ने निफ्टी को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दिया। सो यहाँ पर ब्रेक डाउन के बाद देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि निफ्टी जो है नीचे की तरफ ही आएगी। सो यहाँ पर हमने जो है सेल के ट्रेड भी दिए थे और आप लोगों को मैंने टेलीग्राम में चार्ट भी पोस्ट कर दिया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स देते रहता हूँ विद चार्ट। तो यहां पर चलिए अब देखिए अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो अब देखिए मैं आप लोगों के लिए एक यहां पर इस तरह से हमारे लिए देखिए एक डिसेंडिंग चैनल के टाइप में यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको पहले प्रॉपर पैटर्न ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए एक डिसेंडिंग चैनल हमारे लिए तैयार है। अब देखिए जब तक इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं होता तब तक हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। मे भी देखिए अब हमारे पास जो नीचे का सपोर्ट है वो 14,250 के आसपास है। अगर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट में गिरावट जारी रही तो हम यहाँ पर 14,250 के आसपास आएंगे और यहाँ से बाउंस बैक करेंगे। तो देखिए मंडे के सेशन में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर अब देखिए प्रीवियस जो हमारे पास यहाँ पर हाई लगा हुआ है वो प्रीवियस हाई ये है। सो जब तक निफ्टी यहाँ पर 14,460 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करता, मीन्स 14,460 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यहाँ पर अभी आप बाइंग के लिए मत जाइए। क्योंकि देखिए 14,460 के ऊपर निकलने के बाद ये एक अच्छी मूव देगा। इसमें जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 14,550 का और दूसरा टारगेट होगा 14,600 का। तो फाइनली देखिए अब यहाँ पर गैप अप ओपनिंग में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, गैप डाउन ओपनिंग में किस तरह ट्रेडिंग करनी, फ्लैट ओपनिंग में किस तरह ट्रेडिंग करनी है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं।
तो देखिए मार्केट मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और वो मान लीजिए 100 पॉइंट्स की, 80 पॉइंट्स की या 150 पॉइंट्स की जो भी होती है गैप डाउन ओपनिंग होती है और इस लेवल के आसपास कहीं आती है 14,250-260, तो इस लेवल पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेलिंग करने से बचिएगा, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। बिकॉज देखिए यहाँ से लास्ट टाइम भी यहाँ से बाउंस बैक हुआ, बहुत अच्छा बाउंस बैक हुआ है। सो अगर गैप डाउन होती है और इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी आती है तो यहाँ पर जो है आपको बाइंग के लिए देखना है। अब यहाँ पे देखिए अगर गैप यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद लाइक दिस मैं आप लोगों को प्रॉपर मैं बताता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है और कुछ टाइम यहाँ पर बिताने के बाद इसको ब्रेक करती है, ठीक है, किसको ब्रेक करती है, अब ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ इस चैनल इसको, ये जो हमारा प्रीवियस हाई लगा हुआ है, अगर ये लेवल ब्रेक करती है 14,460 का तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद कंटिन्यू डे लो ब्रेक करती है, मीन्स 14,350 का लेवल ब्रेक करती है, तो हम सेल के लिए जा सकते हैं। 100 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पर टारगेट होने वाला है, 14,350 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो 14,250 हम मंडे के सेशन में देखेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 14,460 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए जाएंगे। सो देखिए अब मैं आपको यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के बारे में बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ जो क्लोजिंग ये वो 14,370 के आसपास है, यहां मान लीजिए 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अगर वो गैप अप ओपनिंग 14,460 के ऊपर होती है तो वहां पर आपको 5 मिनट के कैंडल का वेट करना है। अगर वो कैंडल बुलिश है, ग्रीन है, तो उसका डे का लो लगा स्टॉप लॉस लगाकर आप उसके हाई के ऊपर जो है ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा यहां पर आप प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं, प्राइस एक्शन जिस तरह ब्रेक डाउन देता है या ब्रेकआउट देता है उस तरह आप ट्रेड कर सकते हैं। सो देखिए मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहा हूं यहां पर कि 14,460 के ऊपर हमने बाइंग करनी है, 14,250 के पास हमने बाइंग करनी है, फ्लैट ओपन होता है तो 14,350 के नीचे हमने सेलिंग करनी है, टारगेट हमारा 14,250 होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये 14,250 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आ सकती है जो मे बी 300 से लेकर 500 पॉइंट्स की हो सकती है। सो अगर 14,250 के नीचे अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए, कैंडल किसी कोई 15 मिनट की कैंडल 14,250 के नीचे क्लोज हो गई तो वहां पर आप क्लियर कट सेल के लिए जाइए। अब यहां पर जो लास्ट यहां पर देखिए जो इसका सपोर्ट होगा वो 14,220 का होगा, 14,220 निकालने के बाद 14,220 निकालता है तो आप यहां पर क्लियर कट 14,000 के टारगेट के लिए यहां पर जा सकते हैं, चाहे पोजीशन भी बना सकते हैं। बट यहां पर जो है कंफर्म की बाद ही ट्रेडिंग करिएगा, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, आपको कम से कम 3 से 4 कंफर्मेशन होनी चाहिए। मल्टी कंफर्मेशन पर ट्रेड करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं लेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखिए मैंने फायर्स का टर्मिनल खोल लिया है। अब यहां पर देखिए कुछ ऐसे स्टॉक है जो फायर्स ने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, लाइक आरती इंडस्ट्रीज हो गया और HDFC लाइफ हो गया, ICICI हो गया, तो ये सब काफ़ी कुछ स्टॉक हैं जो इन्होंने अभी ऐड नहीं किए जो यहाँ पर है, फाइनली उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है हमारे पास अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट देखिए कंटिन्यू एक असेंडिंग चैनल में बन रहा है, मे भी देखिए ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है, अगर ये नीचे की तरफ 510 का लेवल ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में देखिए यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में हमको एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस के आसपास इसने देखिए एक हैमर कैंडल बनाई थी और वो हैमर कैंडल यहाँ पर एक्टिव हुई। अब हमारे लिए देखिए ये सपोर्ट इसके लिए काम कर रहा है जो 2550 के आसपास इसके लिए एक सपोर्ट है। अगर ये 2550 का लेवल ब्रेक करता है तो जो ये ट्रेंड लाइन हमने नीचे की तरफ से ड्रॉ करके रखी हुई है ब्लैक कलर की, यहां तक ये आ सकता है, मींस 2350 के टारगेट के लिए आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। तो मैंने बैंकिंग की वीडियो बना दी है बैंक निफ्टी की वीडियो में, उसमें मैंने सारे बैंक की एनालिसिस करके बताई हुई है, वो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो देखिए कंटिन्यू मैं यहाँ से आपको दिया था 3350 से, 3350 पे मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक्स में आप लोगों को बाइंग करने के लिए दिया था और टेलीग्राम चैनल में मैं कंटिन्यू हर वीकेंड पर आप लोगों को ब्रेकआउट स्टॉक्स देता हूँ और जो नियर ब्रेकआउट होते हैं वो भी देता हूँ। तो दोनों स्टॉक्स की अपनी पर्सनल वॉचलिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। अब देखिए 3300 से सीधा देखिए अब 4000 का लेवल इसने टच कर लिया, मींस 41 का टारगेट। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो 4000 के आसपास का था, तो यहाँ पर हमारा टारगेट फाइनली अचीव हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है, सो यहाँ पर देखिए एक या दो दिन यहाँ पर इसको होल्ड करना चाहिए, होल्ड करने के बाद जब ये 4150 का 4140 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर अगला टारगेट हमारा 4200 रुपये का होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस देखिए यहाँ पर एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, ऊपर की जो रेंज है वो 5350 है और जो नीचे की रेंज है वो 4650 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 700 पॉइंट्स की रेंज है। अब हमको ध्यान देना है कि जिस तरफ भी ब्रेक
ब्रेकआउट होगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो, हमको यहाँ पर 700 पॉइंट से क्लियर कट मिलने वाले हैं। बट अगर मंडे के सेशन में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो 3930 रुपये के नीचे निकलता है, तो आप यहाँ पर जो है 4850 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज फिंजर्व। बजाज फिंजर्व भी देखिए सेम बजाज फाइनेंस की तरह एक रेंज में ही ट्रेडिंग कर रहा है। मे भी देखिए अब इसके लिए ऊपर का लेवल ब्रेक करना जरूरी हो गया है, क्योंकि देखिए अब इसमें काफ़ी दिनों से सभी स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं, बट यहाँ पर जो है कि रेंज बनी हुई है, काफ़ी नवंबर से ही रेंज बनी हुई है। सो नवंबर दिसंबर जनवरी तो यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट होने वाला है, चाहे ब्रेकआउट हो जाए चाहे ब्रेक डाउन हो जाए। मे भी यहाँ पर ब्रेकआउट के आसार लग रहे हैं, बट यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर मंडे के सेशन में अगर 8950 का लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स के टारगेट के लिए सेलिंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीपीसीएल। तो बीपीसीएल को यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 394 के नीचे निकलता है इंट्राडे में, तो आप यहाँ पर 390 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है 375 के आसपास का है। मे बी अगर यहाँ पर फास्ट सेलिंग आती है, स्पाइक मूव आता है, तो यहाँ पर 301 ही दिन में, 1 या 2 दिनों में आपको 375 का टारगेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में देखिए न्यूज़ के बाद ये काफ़ी ज़बरदस्त चला था। अब मैं देखिए इसको अगर चार्ट को बड़ा करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर इसको एक हर्डल था, ये देखिए जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, और मैंने यहाँ से बताया था कि देखिए यहाँ पर न्यूज़ बेस पर ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर्डल है, यहाँ से जो है एक बार एयरटेल नीचे के लिए आ सकता है। सो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी जगह जो बाइंग करने के लिए होगी वो ये ट्रेंड लाइन के आसपास होगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन के आसपास ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, तो ये 550-560 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर एक बार आप पोजिशन बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर 570 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो इंट्राडे में आप 560 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया को देखिए अभी ये एक ट्रायंगल चैनल में देखिए काम कर रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर वेट करिए। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो बाइंग के लिए जाएंगे, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3540 के आसपास देखिए एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, दूसरा हमारा यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। सो देखिए अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो काफ़ी तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया को देखिए यहाँ पर इंट्राडे में 132 के नीचे यहाँ पर सेल कर सकते हैं, टारगेट हमारा जो होगा यहाँ पर 130 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डिविस लैब। तो डिविस लैब ने देखिए यहां पर एक देखिए राइजिंग वेज पैटर्न इसने बनाया था, और राइजिंग वेज पैटर्न को फाइनली इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर देखिए अब इसके लिए बाउंस बैक के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है, क्योंकि 3550-3540 इसका एक सपोर्ट लेवल है। अगर इसको बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे खड़ा है। अगर अदरवाइज अगर ये देखिए नीचे 3530 का लेवल ब्रेक करता है, तो यहां पर इंट्राडे में आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर 3530 के नीचे एक्टिव हो गया तो टारगेट हमारा यहां पर 3350 का होगा। सो यहां पर 200 पॉइंट्स का टारगेट यहां पर क्लियर कट मिलने वाला है, अगर ये 3530 का लेवल ब्रेक करता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आइशर मोटर। तो आइशर मोटर में देखिए मैं आपको चार्ट थोड़ा बड़ा करके यहां पर दिखा देता हूं। यहां देखिए यहाँ पर देखिए एक असेंडिंग चैनल बन रहा है, तो असेंडिंग चैनल पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू बन रहा था, और ये जो पैटर्न बन रहा था ये देखिए मार्च के महीने से ही बन रहा था। तो ये देखिए 10 से 11 महीने के दौरान जो है मतलब असेंडिंग चैनल के बीच में इसने ट्रेड किया, और फाइनली देखिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव हो सकती है ऊपर की तरफ, अगर ये ब्रेक करता है 3050 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल होता है। देखिए यहाँ पर हमने जो पोजीशन बनाई थी वो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इसने जब अपना हाई निकाला था, मींस यहां पर 2510 के आसपास हमारे यहां पर पोजीशन यहां पर बनाई गई थी, मतलब मैंने अपने क्लाइंट लोगों को भी दी थी। तो 2510 के ऊपर टारगेट हमारा जो ये अपर ट्रेंड लाइन था, तो फाइनली टारगेट यहां पर तो आ चुका है, बट यहां पर अगर देखिए ये 3050 का लेवल निकालेगा तो एक बहुत जबरदस्त मूव देगा, और नीचे की तरफ अगर ये 2820 का लेवल निकालता है तो अगेन ये लोअर ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आ सकता है। तो इस पर नजर बना के रखिएगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ इसमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक देखिए फाइनली एक ही ये जो सपोर्ट लेवल है 980 के लेवल पे आकर देखिए ये 4 से 5 दिनों कंटिन्यू एक ही लो लगा रहा है, इसी सपोर्ट के आसपास बाउंस बैक हो रहा है, फिर इसी के पास आ रहा है, मतलब ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने में इसको टाइम लग रहा है। सो अगर 980 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर क्लियर कट ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है तो यहां तक का हम टारगेट देखेंगे। देखिए यहां पर इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस देखिए फाइनली यहां पर ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद अभी तक ये रीटेस्ट करने के लिए नहीं आया है। मे बी यहां पर एक बार रीटेस्ट हुआ था, बट एक बार इसको रीटेस्ट करने के लिए यहां पर आना है, तो इस पे नजर बना के रखिएगा, बाइंग के लिए मत जाइएगा। बाइंग के लिए हमने जाना है 1020 की क्लोजिंग के ऊपर। सो 980 का लेवल यहां पर ब्रेक करता है, यहां पर एक स्पाइक सेलिंग आएगी, बहुत जबरदस्त तेजी से सेलिंग आएगी। सो यहां पर जो है टारगेट आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए वो 960 का, और दूसरा टारगेट 920 के आसपास होना चाहिए इंट्राडे में। तो नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा एचडीएफसी लाइफ।
तो HDFC लाइफ भी देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा पैटर्न बड़ा करता हूँ और इसको वीकली चार्ट में आप लोगों को लेकर चलता हूँ, फिर आपको यहाँ पर मैं अच्छे से एनालिसिस करके बता पाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन, तो ये जो ब्लैक कलर की मैंने थिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इसका देखिए ये यहाँ पर रजिस्टेंस था, सो यहाँ से देखिए नीचे की तरफ। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये जो मैंने 24 फरवरी से मतलब मैंने किया हुआ है, ये 1 साल की ये ट्रेंड लाइन लेके रखी हुई है, तो यहाँ पर भी इसका भी एक हर्डल था। सो यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन के हर्डल थे, सो इसलिए मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर गिरी है। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट लेके चलता हूँ। देखिए अब ये जो हम इसकी बात कर रहे थे ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन की, सो हमारी ये 1 साल की ट्रेंड लाइन है, 1 साल के दौरान जाकर ये ट्रेंड लाइन किस रेजिस्टेंस के आसपास आया है। सो यहाँ पर देखिए जब इतने बड़े गैप के बाद किसी रेजिस्टेंस को टच करता है, किसी हर्डल को टच करता है, तो वहाँ पर क्लियर कट है कि वो लेवल अब जरूर काम करता है। सो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, अगर ये देखिए 680 का लेवल ब्रेक करता है तो इंट्राडे में इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आ सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट है। दूसरा यहाँ पर जो रजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बनेगा यहाँ पर 670 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए 680 का लेवल ब्रेक करेगा तो 670 और 665 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाउंस बैक हो सकता है, सो जब इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंच जाएगा HDFC लाइफ तो यहाँ पर इसको सेलिंग करने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ से अगेन एक बाउंस बैक हो सकता है 670 के आसपास से। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो ऑटो कंपनियां हैं, वो ऑटो कंपनियां काफ़ी अच्छा इस टाइम मेरे को लग रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा, इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और ये काफ़ी अच्छा इस टाइम समझ लीजिए कि आप यहाँ पर मूव देने की तैयारी में है या फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने की तैयारी में है। सो नज़र बनाकर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नियर अबाउट मैंने सभी ऑटो कंपनियां की मैंने एनालिसिस करी है और एनालिसिस में मैंने पाया है कि नियर अबाउट सभी में बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा हुआ है। सो आप लोग भी एक बार चार्ट में जाकर जरूर चेक करिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब बजाज ऑटो में यहाँ पर 3380 के ऊपर निकलता है या फिर 3400 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो आप यहाँ पर इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं या फिर पोजिशन के लिए भी जा सकते हैं। पोजिशन तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बनानी चाहिए थी, बट यहाँ पर जो है हमने इसको फोकस नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सो यहाँ पर हमने हीरो मोटोकॉर्प में हमारी जो पोजीशन थी हमने इसको पोजीशन बनाई नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक हमारी पोजीशन चल रही थी उसको हमने बुक कर लिया था। चलिए उसकी कोई बात नहीं, आप 3400 के ऊपर निकलते हैं तो आप इसको बाइंग करिए, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंडालको। तो हिंडालको देखिए अब कंटिन्यू अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, ये लेवल ध्यान रखिएगा, अगर ये 225 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे से जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है यहाँ पर देखिए 210 के आसपास ये आ सकता है। ध्यान रखिए लेवल ध्यान से सुन लीजिए, 225 का लेवल ब्रेक होता है तो 210 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर नज़र बना के रखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फाइनली देखिए ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे दिया है और पिछला जो इसका प्रीवियस हाई था वो 2400 के आसपास था, तो 2400 का लेवल भी क्रॉस करके इसने क्लोजिंग तो दी है 2409 की दी है। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक अच्छी मूव हो सकती है, ये चाहे आप पोजिशनल के लिए है चाहे इंट्राडे के लिए है, 2420 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग इसको जो है देखिए इसका पहला जो टारगेट होने वाला है वो 2450 का होगा और दूसरा टारगेट जो है यहाँ पर 2600 का और 2800 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर पोजिशन में एंट्री बना सकते हैं। तो नज़र बना के रखिएगा क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ITC। ITC को देखिए यहाँ पर 208 के नीचे अगर निकलता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए जा सकते हैं, 203 और 200 दो यहाँ पर हमारा टारगेट होने वाला है, सॉरी 203 और 200 यहाँ पर हमारा इंट्राडे के टारगेट है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इस तरह से दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ से अगर निकलता है तो मे बी ट्रेंड लाइन के पास बाउंस बैक कर सकता है। सो अगर 203 का लेवल ब्रेक करेगा तो 200 का लेवल यहाँ पर हम क्लियर कट देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा JSW स्टील। तो JSW स्टील को देखिए यहाँ पर इसने एक राइजिंग वेज पैटर्न में काम कर रहा था, असेंडिंग चैनल में, असेंडिंग चैनल फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है नीचे की तरफ, नीचे अब 370 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर क्लियर कट 350 का लेवल देखेंगे। ध्यान से सुनिए, 370 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको यहाँ पर 20 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कट मिलने वाले हैं, 370 के नीचे हमारा अगला टारगेट 350 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो बैंकिंग की एनालिसिस मैंने करके बताई हुई है, वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा अगला स्टॉक है LT। तो LT देखिए बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास काम कर रहा है, अब इसको हमने वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है तो यहाँ पर देखिए अब चार्ट हमको बिल्कुल स्मूथली और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस था इसका 1380 के आसपास, जब ये 1380 के आसपास
आसपास गया था, तो देखिए इसमें कितनी जबरदस्त यहाँ पर गिरावट आई थी। अब अगेन ये 1380 के आसपास है। देखिए अगर 1380 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमको यहाँ पर जो टारगेट मिलने वाला है वो 1500 और यहाँ पर 1600 का टारगेट होगा। अगर 1380 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो गया तो, अदरवाइज अगर इसने कहीं 1300 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो जो सेलिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं वही सेलिंग हमको यहाँ पर अगेन दोबारा देखने के लिए मिल सकती है। सो एलटी पे नजर बना के रखिएगा, 1280 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर 1380 के ऊपर निकलेगा तो हमको यहाँ पर एक जबरदस्त मूव मिलने वाली है ऊपर की तरफ। और यहाँ से मैंने देखिए नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है और मैंने यहाँ पर बताया कि अगर 1300 के नीचे क्लोज करता है तो हम यहाँ पर जो टारगेट देखेंगे वो टारगेट हमारा 1230 का होगा और दूसरा टारगेट हमारा 1150 का होने वाला है। चलिए अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहाँ पर मैंने आपको बाइंग के लिए दिया था, आप जाके टेलीग्राम चैनल में देख लीजिएगा। पहले यहाँ बाइंग के लिए दिया था 670 के लेवल पर और अगेन मैंने आपको यहाँ पर पोजिशनल बाइंग के लिए दिया था 770 के लेवल पर। तो फाइनली देखिए 670 से इसने जो हाई लगाया वो 850 का लगाया, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमको ऑलरेडी मूव मिल चुका है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 790 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 790 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम ये जो है 760 और अगेन ये ट्रेंड लाइन के आसपास जो है 735 के आसपास आ सकता है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब आएगा तो वो पोजिशनल के लिए बहुत अच्छी एंट्री होगी। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा अगर आप पोजिशन बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी इसको बाइंग मत करिएगा, 790 के नीचे निकलता है तो हमारा टारगेट यहाँ पर 775 और यहाँ पर 760 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ONGC। तो ONGC को आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं 92 के नीचे, टारगेट यहाँ पर 90 रुपीज़ का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस। तो रिलायंस पे देखिए हम काफ़ी दिन से नज़र बना के रखे हुए थे, फाइनली देखिए मैंने आपको बताया था कि जब तक ये पहले रेड ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है जब ये ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद इसको जो हर्डल मिलेगा वो ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर हर्डल मिलने वाला है। फाइनली देखिए रेड ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और कंटिन्यू ऊपर की तरफ। अब रेड कलर की ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक तो किया बट यहाँ पर क्लोजिंग जो है अगेन रेड कलर की ट्रेंड लाइन के नीचे इसने दे दी है। सो यहाँ पर बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 2125 के ऊपर निकलना, 2125 के ऊपर निकलता है सॉरी 2120 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर क्लियर कट बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है, 2300 के आसपास का हमारा टारगेट होने वाला है। तो नज़र बना के रखिएगा, अगर यहाँ पर देखिए 2040 का लेवल नीचे 2035 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है इंट्राडे में तो हमारा यहाँ पर जो टारगेट होगा वो 2000 का होगा। तो यहाँ पर 35 पॉइंट्स हमको इंट्राडे में मिल सकते हैं सेलिंग के साइड। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट देखिए अब यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल इसका है ये 23,500 के आसपास। अब 23,500 के आसपास देखिए ये एरिया निकाल नहीं पा रहा है, जब भी ऊपर जाता है अगेन 23,500 के पास, जब भी यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है अगेन 23,500। यहाँ देखिए ब्रेकआउट भी हुआ बट ये फेक ब्रेकआउट हुआ, अगेन 23,500। ध्यान बना के रखिएगा यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो ब्रेक डाउन हो चुकी है। अब ये जो 23,500 का लेवल है ये जब ब्रेक होगा तो एक स्पाइक सेलिंग यहाँ पर आने वाली है। सो यहाँ पर नज़र बना के रखिए, बहुत तेज से आपको मूव मिल सकती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। 23,500 के नीचे जैसे निकलेगा आप यहां पर इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा जो होगा यहां पर पहला टारगेट हमारा 22,500 के आसपास होगा। सो यहां पर 1000 पॉइंट्स का टारगेट हमको क्लियर कट यहां पर दिख रहा है अगर ये 23,500 का लेवल ब्रेक करता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है SBI की, चलिए मैंने एनालिसिस कर दी है। सन फार्मा ने भी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर दी है। अब इसके बाद देखिए इंट्राडे में अगर ये देखिए 570 का लेवल नीचे की तरफ निकालता है तो हमको यहां पर टारगेट 560, नेक्स्ट टारगेट हमारा 550 और अगला टारगेट हमारा 540 का है। तो अगर 570 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर 560, 550 और 540 के टारगेट के लिए इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा TCS। तो TCS को देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2850 के आसपास यहाँ पर हमने पोजिशनल बाइंग के लिए बताया था टेलीग्राम चैनल में। तो देखिए 2850 के आसपास निकलने के बाद कंटिन्यू देखिए 3300 प्लस ये जा चुका है। अब अगर आप इसमें पोजिशन बनाना चाहते हैं तो फिलहाल अभी वेट करिए। वेट कहाँ तक करनी है आपको, यहाँ तक वेट करनी है। अगर आपको यहाँ पर कहीं कोई डिप होती है डिप के आसपास यहाँ पर बाइंग करिए, 3100-3150 के आसपास बाइंग करिए। अदरवाइज इंट्राडे प्लेयर हैं तो आप यहाँ पर 3324 के ऊपर 3325 के ऊपर निकलकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है या फिर वहाँ पर सस्टेन होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। 3325 के ऊपर लेवल ध्यान रखिएगा, 3325 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखिए बाइंग के लिए आपको 192 पर मैंने यहां पर दिया था पोजिशनल वालों के लिए, आप जाकर टेलीग्राम चैनल में चेक कर सकते हैं। देखिए मैं अपने जो भी है चीजें हैं पर्सनल
पर्सनल चीजें मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, मैं कुछ भी छुपा के नहीं रखता हूँ। टेलीग्राम चैनल में मैं अपने जो भी ब्रेकआउट मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट होती है वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पिछली बार मैंने शेयर नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि मार्केट में गिरावट आने वाली है। सो यहाँ पर आपने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कितनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। सो मतलब दो दो तीन दिनों से कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। सो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ब्रेकआउट स्टॉक्स शेयर नहीं किए थे। अगर मैं अभी इधर एनालिसिस करूंगा, अगर मुझे कोई स्टॉक्स अच्छे लगेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े वीक लग रहे हैं, थोड़ा सा इसको सपोर्ट पर आने दीजिए, उसके बाद अगेन मैं आप लोगों के साथ जो है वीकेंड पे मैं शेयर किया करूंगा। चलिए यहां पर 192 पे दिया था और टारगेट 300 का था, 300 का टारगेट अचीव हो चुका है। अब यहां पर नजर बना के रखिएगा, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है 278 का लेवल तो यहां पर हमारा टारगेट जो है 240 के आसपास होने वाला है। बाइंग के लिए अभी ऊपर की तरफ मत देखिए क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका है, यहां पर करेक्शन एक बाकी है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा देखिए ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास है, अगर बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे खड़ा है बाउंस बैक होने के लिए। नहीं तो अगर ये देखिए नीचे की तरफ ब्रेक करता है 970 का लेवल तो यहां पर हम क्लियर कट जो है 880 का लेवल देखेंगे। मतलब यहां पर 90 पॉइंट्स की मूव हमको क्लियर कट मिलने वाली है। कहां पर मिलने वाली है? 970 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो। नेक्स्ट स्टॉक हमारा टाइटन। तो टाइटन में देखिए एंट्री हमारी जो बनी थी यहां पर 1208 के आसपास बनी थी और 1200 से देखिए ये चल गया कितना 1600, तो काफी अच्छा यहां पर हमको एक मूव देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा अभी ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, नीचे की तरफ 1450 के नीचे क्लोजिंग करता है तो अगेन ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा। जिस ट्रेंड लाइन से निकल के, जिस असेंडिंग चैनल से निकल के बाहर की तरफ गया था, अगेन इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा। कब आएगा? जब 1450 की क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी। 1450 का लेवल निकालेगा तो यहां पर क्लियर कट सेल के लिए जाइए। अगेन मे बी यहां से 1450-1460 के आसपास के लेवल से बाउंस बैक हो सकता है, अगर इसको बाउंस बैक होना है तो, अगर इसमें स्ट्रेंथ बची है तो। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, पर मैं चीजें आप लोगों को अच्छी तरह समझा दूं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। सो वीडियो पूरा देखा करिए, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी, चीजें जो एनालिसिस करनी आपको आ जाएंगी, टेक्निकल आ जाएगा, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपको मेरा वीडियो देखकर। नेक्स्ट स्टॉक हमारा यूपीएल। यूपीएल की देखिए यहाँ पर मेरा साइन लगा हुआ है, मैंने यहाँ पर देखिए 503 रुपए के ऊपर मैंने यूपीएल को बाइंग के लिए दिया था और फाइनली देखिए हमारा रेजिस्टेंस जो है 595-590 का टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब फाइनली देखिए रेजिस्टेंस के आसपास जाकर इसने बड़ी एक जो है एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। ये जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। सो यहाँ पर बाइंग अगर करनी है तो 600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तब हम बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब सेलिंग के लिए अगर 560 के नीचे 562 के नीचे निकलता है तो टारगेट यहाँ पर हमारा जो है 555 और 550 का होगा इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। तो विप्रो देखिए फाइनली कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग के लिए दिया था आपको 370 के आसपास, 370 से देखिए इसने जो हाई लगाया वो 470, तो यहाँ पर देखिए आपको 100 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। तो 100 पॉइंट्स देखिए कम नहीं होते हैं, 30% से मूव जो है आपको यहाँ पर एक महीने के अंदर, एक महीने से भी कम पीरियड में आपको 30% की मूव मिल गई। अब ये आपको और क्या चाहिए? सो इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल देखिए, वहाँ पर चीज़ें जो मैं डालता हूँ उसको फॉलो करिए, चार्ट बनाना सीखिए, देखिए किस चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, मार्केट किस तरह से काम करती है, इंट्राडे में किस तरह ट्रेडिंग होती है, कहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सो एक बार आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम बाइंग कब करने वाले हैं, बाइंग करेंगे 460 की क्लोजिंग के ऊपर, 460 की क्लोजिंग के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज नीचे की तरफ ब्रेक करता है 425 का लेवल तो हम कहाँ तक आ सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करके रखी हुई है यहाँ तक हम आ सकते हैं। ये हमारा लेवल है देखिए 390 के आसपास, आप ध्यान से सुन लीजिए, 430 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको यहाँ पर 40 पॉइंट्स के मूव क्लियर कट मिलने वाली है नीचे की तरफ। अदरवाइज ये देखिए ट्रायंगल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। सेकंड, अगर आप हमारे साथ इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर मैं इंट्राडे की कॉल देता हूँ, देखिए उसके प्रीमियम चार्जेस हैं 10,000 रुपीज़, बट आप लोगों के लिए वहाँ पर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग में या अलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहाँ पर आपको डेली 3 से 4 कॉल वहाँ पर मिलती हैं इंट्राडे ऑप्शन की। सो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करिए और इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप का पार्ट बनिए। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।